हेलो, तो स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मेरे व्लॉग्स मेरी फैमिली के साथ ही होते हैं हमेशा, एज यूजुअल, जो आप हमेशा देखते हैं। तो आज का व्लॉग है मेरी नीज नविया का बर्थडे, और उसकी इच्छा थी कि हम दिल्ली जाकर मनाएं। तो अभी मैं नीचे खड़ी हूँ और वो लोग आने वाले हैं, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो ये जो मेरा बर्थडे मतलब ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं, ये मुझे किसने दिया है? आइए मिलवाते हैं हम आपको। जो भाई ने दिया है, ये भाभी ने दिया मुझे। यही नहीं पता ये भाभी ने दी है। एक्चुअली दी तो ये आनिया को दी, और मुझे इतनी पसंद आई मैंने कहा भाई इसे तो मैं ही पहनूंगी। और अभी भी पता चला इन्होंने दिया। तो देखिए कितनी देर पीछे। थैंक यू जी। अब हमने रख लिया है मयूर जग भी, क्योंकि भाई इतनी गर्मी है, कहाँ तक हम बॉटल्स खरीदेंगे। और भाई सेट करने में लगा हुआ है, मयूर जग में बर्फ डाल चुका है, और अब हम निकल चुके हैं दिल्ली के लिए। सो हेलो गाइस, तो आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पहले जिसके लिए जा रहे हैं मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। और ये है मेरी नीज नव्या। आज इसका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे माई डियर नव्या। तो नव्या का मन था कि हम लोग कहीं बाहर घूमने जाएं, मतलब दिल्ली में। उसको दिल्ली में जाना पसंद है और उसको मन था जाने का। तो हम नव्या की पसंद की चीज़ें देखेंगे आज, और जो जो चीज़ें हम देखेंगे वहाँ वहाँ मैं भी आपको लेकर चलती हूँ। चलिए बने रहिए मेरे साथ, चलो। तो आज हम आए हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय, जो कि बेहद अच्छी जगह, हिस्टोरिकल प्लेस, वन टाइम देखने के लिए बहुत अच्छा। ये मेरा भाई मेरे को बहुत ही प्यारा है, जो मुझे यहाँ लेकर आया है। भाई भाभी सब लोग आए हैं, और हमने यहाँ बहुत इंजॉय किया, अपनी नीस का बर्थडे यहीं मनाया। बेसिकली ये प्रधानमंत्री संग्रहालय है, जहाँ पर ज़्यादातर तो खैर गांधी परिवार है, पर ठीक है, वन टाइम देखने के लिए अच्छा है। और लास्ट में हमारे मोदी जी ही मोदी जी हैं बस। और ये हैं राजेंद्र प्रसाद जी, जो हमारे नेहरू जी से भी पहले प्राइम मिनिस्टर थे। मुझे ज़्यादा जानकारी तो नहीं है पॉलिटिक्स की, पर ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जितना भी जानने को मिला वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और फिर आई मेरी कज़न शिखा, जो कि अलग से आई थी कैब से, अब उससे मिल रहे हैं हम। आइए, इतने इंतज़ार के बाद ये नेहरू जी का शयन कक्ष, पुराने लैंप, पुराना बेड, पुराने सोफे, सब चीज़ें बहुत पुरानी थी, जो कि देखकर मन को अच्छा लग रहा था। मतलब मुझे कोई ख़ास रुचि नहीं है कांग्रेस में, लेकिन ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल थी तो मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अभी हम आगे भी देख ही रहे हैं। और ये इंदिरा गांधी शयन कक्ष, भाई वाह क्या बढ़िया चीज़ देखने को मिल रही है, वेरी नाइस। ये चीज़ तो देखने की, मैं और मेरी बहन टशन ना दिखाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। जहाँ भी कुछ देखा नहीं वहाँ हमारा रील का कीड़ा जाग ही जाता है। तो है मेन चीज़ अब जहाँ हम जाने वाले हैं। और भाई आपको इतना मज़ा आएगा ना, हमें देखने में मज़ा आ रहा है, और हमें आपको वो सारे व्यू दिखाने हैं। और उसके बाद हम एक दूसरी जगह आए, वो भी वही था, वो भी दूसरे मतलब वही था, लेकिन उससे थोड़ा सा अलग था। और यहाँ पर हमारे कुछ एडवेंचर थे, यहाँ ज़्यादा मज़ा आ रहा था हमको इंस्टेड ऑफ दैट प्लेस। तो यहाँ कुछ ज़्यादा एडवेंचर थे, यहाँ पर प्रोजेक्टर पर ये सब चल रहा था। उसके बाद हेलीकॉप्टर में जाना, भविष्य की झलकियाँ देखना, मोदी जी के साथ फ़ोटो करवाना, ये तो खैर ड्रीम है, पर ठीक है जो भी है। तो यहाँ पर सारे जितने भी अब तक के हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, देखिए सबकी फ़ोटो यहाँ लगी हुई है। इतना अच्छे से इसको बनाया हुआ है, इतना सुंदर, ये क्लीन रहता है। और यहाँ भी हमें कीड़ा जाग गया, तो यहाँ भी मैं और शिखा थोड़ा सा स्टाइल मारते हुए चल रहे हैं। होना तो ना कुछ है नहीं, पर हमें स्टाइल मारने से चैन नहीं मिलता है। और ये पल, इस पल को तो जैसे मैं कैमरे में कैदी कर लूँ, मैं ये भूल नहीं सकती। देख रहे हैं आप मुझे, मेरे सामने कोई नहीं बैठा है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर की का ऑरा ही ऐसा है कि वो हो या ना हो, पर ऐसा लगता है जैसे वो हैं। मैं तो बीच बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे सामने बैठे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हेलो 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 वाओ वाओ हेलो वाओ हेलो 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 भाई, भी लाइक मैं कहाँ फंस गया।
ये मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था, सबसे अच्छा हेलीकॉप्टर में बैठना, भविष्य की झलकियाँ देखना। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे हम हेलीकॉप्टर में बैठकर चल रहे हैं और गाड़ियाँ जा रही हैं तो गाड़ियों के ऊपर चल रही हैं, फिर आसमान आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं तो उनके ऊपर चल रहे हैं, नदी आ रही है तो भी उनके ऊपर चल रहे हैं। सबसे अच्छा, सबसे वंडरफुल, बस यही एक हमारा एक्सपीरियंस था। और मोदी जी से हमारा मिलना, उनके साथ हमारी फ़ोटो खिंचवाना, बेहद बढ़िया, ब्यूटीफुल मोमेंट्स। थैंक यू भाई भाभी को और नव्या की वजह से। नव्या भाई मज़ा आ गया, ये जो लास्ट एरोप्लेन वाला था ना और वो प्राइम मिनिस्टर वाला, भाई मज़ा आ गया है ना शिका। अल्टीमेट एक्सपीरियंस था, हमने बहुत इंजॉय किया। हमें लग रहा था कि हमारा एरोप्लेन इतनी जगह जा रहा है, हेलीकॉप्टर नॉट एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर जा रहा है, भाई बड़ा मज़ा आया। और अब हमें लगने लगी भूख और अब होने वाला है बहुत ही तगड़ा वाला इंसिडेंट। और ये था कैफेटेरिया, यहाँ पर सबने कुछ कुछ पिया, कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा खाया क्योंकि हम सब्जी पूरी भी लेकर आए थे, पर हमें ये नहीं पता था हम सब्जी पूरी कितनी लेकर आए हैं। तो अभी देखते जाइए, अभी बहुत कुछ होने वाला है। तो यहाँ खाया बच्चों ने, खाना सिर्फ। हेलो, हाय, पेट भर गया आपका? ये तीन पूरी खा गए सारे के सारे। अच्छा अच्छा, बुआ आपके पेट भर गया? आप भी बस खा रहे हो? वाओ, मैंने एक पूरी खाई है, मेरा पेट भर गया। ये मैंने बोला पिज्जा खाया मैंने। एक्चुअली हुआ ये कि बच्चे पिज़्ज़ा खा कर आए लेकिन उनका पेट नहीं भरा और पूरियां हम निपटा चुके थे, पूरियां और सब्जी, और अब उन्हें लग रही थी भूख। तो अब हम सब जा रहे हैं सीपी, लेकिन उसको जाने से पहले भी हमें एक चीज़ और देखनी है। गाना सुनाऊंगी, दिल दहलता मेरा। मेरी छोटी सी धन्नो गाड़ी को बना दिया आज हमने ट्रक। देखिए पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। कितने सारे लोग बैठे हैं? क्यों? क्योंकि 7:30 बजे हमारा नया शो है। 6:30 और अभी बज रहे हैं 6:30। 1 घंटा हम गाड़ी में ही बैठेंगे एसी चला के। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। तो भाई अब हम आ चुके हैं और जब तक हम एसी में थे तब तक सब बहुत बढ़िया था, लेकिन आने के बाद यहाँ थोड़ा गर्मी थी। वैसे तो वीरांगनाओं की कहानी थी भाई, हमारे देश की वीरांगनाएं हैं, अच्छी कहानियां हैं, पर गर्मी, गर्मी में कैसे देखेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क था। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा बोरियत का विषय हो गया था। बाकी आप देख ही सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, पर हम इसको ज़्यादा देख नहीं पाए। 5-5 कहानियाँ थी, हम सिर्फ 2 ही देख पाए, और दो देखने के बाद अब हम यहाँ से निकल लिए। तो अब हम आए हैं सीपी में और यहाँ तो एक से एक नज़ारे थे, ये गोल्डन मैन। उसके बाद यहाँ भी मुझे थोड़ी टशन झाड़नी थी, यहाँ भी मैंने सीपी में एक वीडियो बनाया, रील बनाया, वो बाद में अपलोड हो जाएंगे। कभी कभी ये वाले रील भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बाकी जब आए तो आप झेल लीजिएगा, शिखा ही मेरा बना रही है ये वीडियो। मैंने हमारे बीच में ये टाइप रहता है, पहले मैं तेरा बनाऊंगी फिर तू मेरा बनाएगी, अगर हम दोनों में से एक ने भी मना कर दिया तो भाई कोई किसी का नहीं मनाएगा। उसके बाद मिली ये प्यारी सी आंटी जी, ये पेन सेल कर रही थी। कितने अच्छे घर की लग रही है ना, पता नहीं यार, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। हमारे माँ बाप हैं, हमारे को जीवन भर उन्होंने पाला और हम उन्हें ही नहीं पाल सकते, कितनी बड़ी बात है ये। अब देखिए बेचारी पेन सेल कर रही हैं क्योंकि इन्होंने बाद में बताया कि इन्हें डायलिसिस है और उसी के लिए ये कराती रहती हैं, ये पेन सेल कर कर अपनी मनी का अरेंजमेंट करते। कितना मनी अरेंजमेंट कर लेंगी यार। बस उसके बाद मैंने इनसे सारे ही पेन ले लिए, मुझे इनसे मिलना बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर मिले एक बाबा जो बांसुरी बजा रहे थे, फिर एक डांसर, वाओ। तो फिर हम आए खाना खाने, यहीं पर ही हमने नव्या के लिए केक काटा और यहीं पर ही हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। और हमारी आ चुकी है थाली, क्योंकि हम बहुत भूखे थे, हमने खाई थाली, छोले भटूरे, डोसा, जो भी हमें मिला वो हमने खा लिया। भाई भाभी सबका, सबके वेलकम में, सबके अरेंजमेंट में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, थैंक्स टू ऑल।
और अब शिखा जा रही है पहले, क्योंकि उसको मुखर्जी नगर जाना है, उसको लेट हो जाएगा। कैब से जा रही हूँ, हम तीनों भाई बहन की जोड़ी अलग ही है बचपन से, और अब मैं, मनीष भाई, अंजलि भाभी, नव्या, हम लोग जा रहे रास्ते में। हाँ, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई कि आन्या नहीं आई थी, क्योंकि उसकी टीथ की सर्जरी हो चुकी है, जैसा कि आपने पहले व्लॉग में देखा ही था, और उसको बेहद पेन था। मतलब बोलती तो पेन हो जाता, मैं नहीं चाहती थी वो ऐसा कोई रिस्क ले, तो इसलिए हम उसको नहीं ला पाए थे। उसको घर में एंजॉयमेंट करने के हम सारे साधन देते हैं, वो फुल एंजॉय करती है। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसको अकेले छोड़ कर आई थी। तो बहरहाल हम लोग जा रहे हैं, और ये रास्ता बीच में दिल्ली से जाते हुए नोएडा बहुत अच्छा बना हुआ था, ये फ्लाईओवर के नीचे ब्यूटीफुल लग रहा था, तो मैंने सोचा इसको भी मुझे कैप्चर कर लेना चाहिए, क्योंकि कार मेरी गई थी। तो फिर मैंने भाई और भाभी, ये लोग पहले उतर गए सेवियर में, वहाँ से मुझे लेकर जाना था। तो भाई अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।